कन्नौज में किसी विवाद के चलते दबंगों ने दो युवकों पर चलाई बंदूक से गोली, एक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जी हां, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, हालत नाजुक। जी हां, दबंग हत्यारा घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है, पुलिस जांच में जुटी है। हत्या से नाराज लोगों में आक्रोश का माहौल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, घटना स्थल पर आला अधिकारी भी पहुंचे। जी हाँ, दरअसल कन्नौज जनपद के सौरिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी शिवम पुत्र उपेंद्र और मयंक पुत्र जयप्रकाश तिरवा रोड बहादुरपुर गांव की मेन रोड पर दुकान पर खड़े थे। दुकान के ही सामने आरोपी पिंटू अभियुक्त का घर भी था। अचानक पिंटू उर्फ उमेश सिंह अपने घर से 12 बोर की बंदूक लेकर निकला और देखते ही देखते शिवम पर दो फायर कर दिया, जिससे शिवम की मौके पर ही मौत हो गई और पीछे खड़े पत्रकार का भाई मयंक को भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोली से हुई मौत की घटना से हड़कंप मच गया, घटना स्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। हत्यारा घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। विवाद का कारण प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। गोली मारी है, पहले मारी, हम दोनों लोग पीछे से आए मारी है, फिर आगे बाद हमारे हम तो गिर पड़े रोड, हमारे पहले कम ज्यादा लगी, बागे बाद हम बागे लगी, सीधी मारी है सामने।